देश प्रदेश के साथ साथ खजराना में जिस वक्त कोरोना वायरस का कोहराम मचा हुआ था, लगातार मामले सामने आ रहे थे। लोगों को घरों में रखना पुलिस एवं प्रशासन के सामने एक चुनौती थी, लेकिन खजराना थाना टीआई संतोष सिंह यादव की सूझबूझ और सक्रियता ने बढ़ते केसों में आसानी की। लगातार थाने पर रहकर बगैर अपने घर जाए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। टीआई खजराना ने लगातार बाज की नज़र से इलाके पर नज़र रखकर कोरोना को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकते रहे। हालांकि इस दौरान वे खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इलाज करवाया, स्वस्थ हुए और आखिर फिर ड्यूटी पर लौट आए। ड्यूटी पर आने के पहले आपने गणेश मंदिर पर प्रार्थना की, इसके बाद दरगाह नहारशा वली पर पहुंचे, जहां दुआओं के बाद खजराना थाना पहुंचकर पदभार संभाला। आपको बताते चले कि 15 अप्रैल को थाना खजराना टीआई संतोष सिंह यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद आपको चोइथराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। यहां कोरोना से जंग जीतने के बाद आप कुछ दिन होटल में ही रहे और फिर 4 दिन घर पर आराम करने के बाद ड्यूटी पर लौट आए, जहां उनका SDM शर्मा, CSP SKS तोमर, थाना स्टाफ, इलाके के नेता, समाज सेवियों, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों और जनता द्वारा फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। तिरंगा लहराया गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। CSP तोमर ने खजराना TI की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि अपनी बातों को सेवा भाव में बदलना बहुत बड़ा काम है जो आपने कर दिखाया है। देखो, बातों को कर्म में बदलना ये बहुत बड़ी चीज है। आपसे करना बहुत आसान होता है, उसको अपने कर्म में बदल देना बहुत बड़ी बात होती है। संतोष सिंह यादव ने कहा कि मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह क्षेत्र की जनता ने मेरे लिए अल्लाह से दुआएं की, ईश्वर से प्रार्थना की, जिसकी वजह से मैं आज वापस उनकी सेवा के लिए आ पहुंचा हूं। खुशी के साथ हमारे TI साहब तंदुरुस्त होकर इस दरबार में आए हैं। ये शहनशाह मालवा, इनके फैज से ये तंदुरुस्ती पाए हैं। इनके सदक़े ऐ मौला पूरे हिंदुस्तान से इस वबा को, इस कोरोना को दूर फरमा दे, आमीन। अब क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि जिस तरह आपने पहले भी पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है, उसी तरह कुछ दिनों तक सब्र और शुक्र के साथ हमारा सहयोग करें, ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर सके। वे संदर्भ में सबसे पहले तो अपने खजराना वासी जो हमारे परिवार है उसके सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जिनके द्वारा लगातार मेरे स्वास्थ्य और सेहत के लिए अल्लाह और ईश्वर से दुआ की गई, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 तारीख को मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और उसके बाद ही वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेकर मैं चौथराम में एडमिट हुआ था। चौथराम हॉस्पिटल में भी जो स्टाफ है वहाँ का, उनके द्वारा पूरी मेहनत लगन से मेरा इलाज किया गया। उसके बाद क्वारंटाइन हुआ था और उसके बाद आज पूरी तरह स्वस्थ होकर मैं, जैसा कि आप सभी के साथ पहले हमने ऊपर वाले से दुआ की कि हमारे क्षेत्र में आगे आने वाले समय में शांति रहे, ऊपर वाला इस कोरोना की जो महामारी है उस क्षेत्र के लोगों को बचाए, उनके सेहत को बख्शे और इस संदर्भ में मैं धार्मिक स्थलों पे ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर अब मैं यहाँ से सीधे थाना ज्वाइन करूँगा और अपने जो कर्तव्य है उस पर नियमित रूप से। ये जब कोरोना वायरस का फैलाव हुआ था, जब ये बीमारी महामारी जो है ये सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा प्राणघातक है, ऐसी स्थिति में हम और TI साहब ने यहाँ पे काम करा। उसी दरमियान 15 तारीख को अप्रैल में हमको ये सूचना मिली कि हमारे TI साहब पॉजिटिव आए हैं, तो उस समय हमारा हौसला और उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई थी, लेकिन हमारे TI साहब ने जिस हौसले से इस लड़ाई से युद्ध किया और विजयी हुए, निश्चित रूप से उनके हौसले की ही जीत है। और कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्होंने उसको कर्म में उतारा है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको आगे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूँ।